बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि सर हमने जो टोकन फीस भरी है वो रिफंड कब होगी। देखो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, गुजरात यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था जैसे ही एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी जो भी टोकन फीस होगी, जो भी रिफंड करना होगा, आपने जो बैंक अकाउंट नंबर वहाँ उनको प्रोवाइड किया है उस बैंक में आपको रिफंड की जाएगी। ठीक है देखो, और ऐसे भी मतलब क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। देखो आप देख सकते हो, ये मैं एडमिशन का जो पोर्टल है, बीकॉम का एडमिशन का पोर्टल जो वेबसाइट है उसी पे हूँ। आप देख सकते हो ये जो नोटिस आया 10 दिसंबर 2021, मतलब 10 दिन पहले, 8 दिन पहले बोल सकते हो, आज 18 दिसंबर है, 8 दिन पहले का नोटिस है। आप देख सकते हो ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी भी एडमिशन नहीं मिला है, जो भी हो यूजी पीजी कॉमर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कॉमर्स में आ रहे हो, जिनको एडमिशन नहीं मिला है उनको फॉर्म भरना है 14 दिसंबर 2021 को, और उनको 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हो इन्होंने ये वैकेंट सीट उसका भी नोटिस आया है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं वो भी अनाउंस किया है, और उनको फॉर्म भर के 5 कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद उनको जो एडमिशन मिल जाएगी फिर 17 दिसंबर को रिपोर्टिंग करनी है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है कि टोकन फीस रिफंड नहीं आई है, कब आएगी। तो ये एडमिशन का प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी सबको पैसे रिफंड करेगी। ठीक है देखो, अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप गुजरात यूनिवर्सिटी जाओ, वहाँ से पूछो कि हमारे पैसे कब रिफंड आएंगे। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे जो गुजरात यूनिवर्सिटी गए होंगे और उनको वहाँ से कुछ ना कुछ रिप्लाई आया होगा, तो मैं उन सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप गुजरात यूनिवर्सिटी अगर जो गए हो और वहाँ से आपने इंफॉर्मेशन ली है कि भाई हमारी टोकन फीस कब आएगी, तो वहाँ से आपको जो भी रिप्लाई आओ तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमेंट में बताओ कि सभी स्टूडेंट को पता चले, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।